हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। हमारे चैनल पर आपके लिए जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज अपलोड कर रहे हैं और उसी सीरीज में एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। लेट अ चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो एक स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, जहां पर 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली विद द चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो आर इक्वल्स टू के आर। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरी कर रहा है। अगर आप सेंटर से लेकर यहां तक मेजरमेंट करेंगे इसका सेंटर से, तो आर के साथ में के टाइम्स वेरी कर रहा है। चार्ज डेंसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर हम यहां पर छोटा सा लिख लें, चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहां पर अगर आप चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे तो इसके साथ कर सकते हैं। फिर क्या होता है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां सेंटर से आर डिस्टेंस मींस, अगर आप यहां कोई ऐसे एक आर रेडियस का शेल एज्यूम कर लेते हैं, तो वहां पर जो चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, ये आपको कैसे मिलेगा, चार्ज डेंसिटी को इस शेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो अगर अभी हम सॉल्व करना चाहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, चार्ज डेंसिटी जहां पर वेरी कर रही है, चार्ज खुद वेरी कर रहा है, तो आपको ये जो शेल है इसकी थिकनेस आप एज्यूम कर लेंगे, दैट इज डी आर, छोटी सी थिकनेस डी आर, एक डिफरेंशियल शेल है ये डी आर वाला। और क्योंकि ये आर डिस्टेंस पर है, तो इस पर प्रेजेंट जो टोटल चार्ज आएगा डी क्यू, ये आपको मिल जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। और इस शेल का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सरफेस एरिया है हमारे पास 4πr² और थिकनेस है इसकी डी आर। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, के इंटू आर और 4πr² डी आर, यहां से मिल जाएगा 4πkr³ डी आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। इस छोटे से शेल पर, डिफरेंशियल शेल पर इतना चार्ज प्रेजेंट है। अभी क्या होता है, टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली ओपोजिट पॉइंट्स। यहां पर जैसे यही हम लेते हैं दोबारा से, इसके डायमेट्रिकली टू ओपोजिट पॉइंट्स ले लेंगे आप ए एंड बी। यहां पर रखा है माइनस क्यू चार्ज और यहां पर भी रखा है माइनस क्यू चार्ज। They are placed on diametrically opposite points at equal distance A from the center. तो ये वाली डिस्टेंस है A और ये वाली डिस्टेंस भी A है। ये सब बड़े वाले स्फीयर के अंदर हो रहा है। एक्चुअल में जो स्फीयर होगा यहाँ पे, इसको ऐसे डॉटेड कर सकते हैं, ये A और B पॉइंट्स उस बड़े वाले स्फीयर के अंदर हैं। ऐसा एज्यूम करेंगे। इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, दिस इज द की पॉइंट। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की की है। ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ए पर भी कोई फोर्स नहीं आना चाहिए और बी पर भी, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए पर जो फोर्सेस होंगे, पहले हम सारे फोर्सेस निकालेंगे और उनका रिजल्टेंट होना चाहिए जीरो। यहां आप देख पा रहे होंगे ए और बी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। इसका मतलब ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया होगा और बी के ऊपर ए ने लगाया होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक और फोर्स जरूर होना चाहिए और वो फोर्स आएगा इस वाले चार्ज 2q से। तो हम यहां पर पहले ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए बी 1/4πε₀ q into q means q² / 2a²
अब ये निकाल लेते हैं कि इस ए पॉइंट पर ये जो पूरा स्फीयर है उसने उस पर जो 2q चार्ज प्रेजेंट था उसने कितना चार्ज कितना फोर्स लगाया होगा। द फोर्स एक्टिंग एट ए ड्यू टू द स्फीयर विच इज हैविंग अ चार्ज 2q। तो समझिएगा क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है यहां से एक शेल ऑफ रेडियस r और इस तरह का dr थिकनेस वाला शेल है तो इसके ऊपर जो चार्ज है यह है dq। ये वाला dq पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस शेल से लगने वाला फोर्स df हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू dq अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी a का स्क्वायर क्योंकि ये सेंटर से a डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे q अपॉन 4πε0 dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4πkr³ dr/a² दिस इज df। अब हमें कैलकुलेशन करनी है पूरे स्फीयर पर जो चार्ज है 2q उसकी वजह से और अभी हम यहां इसको देख रहे हैं तो यहां पर इस शेल की वजह से जो फोर्स आएगा उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। अब ये देखिए कहां तक पहुंचेंगे हम यहां इंटीग्रेशन करेंगे यहां इंटीग्रेशन करेंगे ये तो आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस शेल और ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे क्यू अपॉन 4π से 4π कैंसिल कर देते हैं क्यू इंटू के अपॉन एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर और ये r का वेरिएशन कहां से कहां तक है यहां से लेकर के a तक सो 0 से a तक इसको देख लेंगे। नाउ दिस f इज इक्वल्स टू q इंटू k बाय एप्साइलन नॉट a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन r क्यूब का करेंगे तो r की पावर 4/4 आ जाएगा और लिमिट्स अप्लाई करने के बाद a की पावर 4/4 आ जाएगा ये a स्क्वायर से 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी आपको मिल जाएगा q इनटू k अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और साथ में a स्क्वायर। सो ये जो शेल है उस पर जो टोटल चार्ज आ रहा है ये q का इतना पार्ट आएगा। अब इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है a पॉइंट पर और ए बी की वजह से ये फोर्स लग रहा है दोनों इक्वल और अपोजिट हैं इसलिए सिंस एफ ए बी इज इक्वल्स टू दिस एफ 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² इक्वल्स टू क्यू इंटू के अपॉन 4ε0a² यहां सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड क्यू स्क्वायर से एक बार ये भी कैंसिल हो जाएगी। हमें चाहिए था आंसर a के टर्म्स में सो a को यहां ले जाएंगे हम और इनको इधर ले आएंगे सो दिस इज क्यू अपॉन पाई के और ये 2b है साथ में इंटू 2 इज इक्वल टू a की पावर 4। आंसर चाहिए था हमें r के टर्म्स में तो यहां से q और r का रिलेशन हमारे पास है इसको सिंप्लीफाई करके r के टर्म्स में इसका q की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए dq का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स यहां पे कर रहे हैं हम सो 4πkr³dr और ये 0 से लेकर कैपिटल R पे करेंगे क्योंकि पूरे स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है और ये 0 से लेकर कैपिटल Q चार्ज बन जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू 4πkr³ का हो जाएगा r³ 4/4 और सिंप्लीफाई करके दिस डिवाइडेड बाय 4 4 से 4 कैंसिल पाई के इंटू आर की पावर 4 आ गया क्यू ये वाला क्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट अच्छा पाई क्यू अपॉन पाई के ये वैल्यू निकाल लें तो बन जाएगा
क्यू अपॉन पाई के इज इक्वल टू आर टू द पावर 4। यहाँ पुट अप करते हैं तो a टू द पावर 4 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 अपॉन 2। दोनों तरफ फोर्थ रूट ले लेते हैं तो आंसर मिल जाता है a इज इक्वल टू आर अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 4। दिस इज द आंसर। और ये हमारा सेकेंड पार्ट मैच कर रहा है यहां से, जिसको ऐसे लिखा गया है a इज इक्वल्स टू आर टाइम्स 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 4। सो दिस इज हाउ, अगर आपकी अप्रोच सही है क्वेश्चन में और आप एक कीवर्ड की पॉइंट ढूंढ लेते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए पॉजिटिवली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।